स्टार्ट करते, नोज से स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो, तो माय नोज का ये वाला कर्व, ये आईब्रो से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट। तो तुमने पॉइंट कौन सा मार्क किया, ये है 4.6 के कितने नीचे है, ये जो कर्व आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा 0.3 सेंटीमीटर नीचे है। 4.6 तुम्हारा यहाँ है, 0.3 सेंटीमीटर नीचे ये आ गया। ठीक है, तुम यहाँ आगे बढ़े, तुमने देखा ये वाला पॉइंट, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो ये 4.7 से कितना राइट है, 1.1 सेंटीमीटर। देखो नोज आईज ये सब 0.1 0.2 सेंटीमीटर भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो ये रही मार्किंग इसकी। ठीक है, फिर और नीचे है 0.4.8, 4.8 से कितना राइट है, ये 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर यहाँ। फिर नीचे कर्व आए, ये कितना नीचे है इसके बेस, 0.5.8 के कितना नीचे है, ये है 0.6 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ आ गए। फिर यहाँ आते हैं, तो ये 0.5.8 के कितने राइट में है, ये है 0.1.7 सेंटीमीटर राइट में, तो ये यहाँ मार्क कर दिया। तो प्रिटी बेसिकली नोज का जो है आउटलाइन मिल गई। ठीक है, अब है मेन चीज हम शेप्स बनाना, तो मैं वो पॉइंट जोड़ना। तो तुमने धीरे धीरे आगे बढ़े ऐसे, अब एक गलती क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन करने लगते हैं, नहीं धीरे धीरे से आगे बढ़ो। देखो नीचे की तरफ कर्व है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ये दूसरे में ऐसे कर्व होके ज्वाइन होंगे। फिर नीचे नीचे हो रहा है, यहाँ पे कर्व किया ऐसे, ये कर्व है थोड़ा। अब देखो दो कर्व है यहाँ पे, एक है नोज का जो अपना बेस का कर्व रहता है, और ये नोस्ट्रिल का एक और जो कर्व रहता है। तो नोज का जो बेस का कर्व है वो इधर पे ज्वाइन होगा, ठीक है ऐसे, और जो नोस्ट्रल वाला कर्व है वो थोड़ा यहाँ से निकलेगा थोड़ा बाहर की तरफ, और फिर यहाँ पे ऐड होगा ऐसे। ठीक है, ये दो कर्व है, तुम्हें दो कर्व का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि ये वाला कर्व ले लिया फिर अंदर कुछ गड़बड़ करने लग गए। यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है ये नोस्ट्रल, देखो ये हिस्सा थोड़ा फ्लैट है, तो कितने सेंटीमीटर राइट में है, ये है 0.7 सेंटीमीटर। तो ये 0.7 सेंटीमीटर मार्क किया, यहाँ से कर्व करके यहाँ ज्वाइन कर दो ऐसे, और यहाँ से ऐसे फ्लैट रखो। ठीक है, और फिर ये कर्व करो यहाँ से, ये जो हिस्सा है जो पॉपर ने मार्क किया था, ये हिस्सा कर्व हो गया। नॉस्ट्रल हल्की सी ऐसे बना लो, हिस्सा डार्क रहेगा अपना। तो इस तरीके से अपन नोज बना लेते हैं, तो पहले इतना बनाओ। ठीक है, तो अब अपन को ड्रॉ करना है लेफ्ट आई। तो लेफ्ट आई से पहले अपन लेफ्ट आईब्रो कर लेते हैं। आईब्रो तुम्हें पता है, ये अपन ने बना ही लिया, एंड में यहाँ टच कर रहा है मेरा, जैसे तो हो सकता है तुम्हारा नहीं कर रहा, तुम अपने का मेजरमेंट, मेरा ये यहाँ टच कर रहा है, तो ये बहुत लाइट ड्रॉ करूंगा मैं आईब्रो की। वैसे भी तुम्हें पता है अपन आउटलाइन बहुत डार्क नहीं ड्रॉ करते। फिर तुम्हें देखना है कि नीचे नीचे कितने पे कट कर रहा है, ये है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ रहा है, अपन ने बनाया था ना हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है। तो एक बार डायरेक्ट बनाने की जगह इस तरीके से स्ट्रोक्स में बनाने की कोशिश करो, उससे क्या होता तुम्हें एक डायरेक्ट लाइन की जगह हल्के हल्के स्ट्रोक्स वाला लुक आ जाता है। ठीक है, अब है आई की बारी। तो आई तुम्हें पता है किसी भी बॉक्स में एकदम बीच में पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस लाइन से कितना ऊपर है, ये इस लाइन से है 0.8 सेंटीमीटर ऊपर, इस लाइन से कितना राइट है, 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर मैं यहाँ मार्क करूंगा, 0.9 सेंटीमीटर इसे दूर करूंगा इस लाइन से, तो यहाँ पे हो गया। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जस्ट इससे थोड़ा नीचे है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये जो कर्व कट कर रहा है थोड़ा सा ही नीचे है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, ये एक चीज ध्यान रखना। देखो गलती होती है, मेरे से भी होती थी स्टार्टिंग में, मैं एंडिंग पॉइंट की जगह मैं आई लैशेस वाला ले लेता था, ये आई लैशेस जा रही है। नहीं, तुम्हें ध्यान रखना है कि यार ये कर्व कहाँ कट कर रहे होंगे, यहाँ कट कर रहे। ठीक है, तो ये 0.8 सेंटीमीटर ऊपर है, और इस लाइन से कितना राइट है, 0.9, सेम मेजरमेंट आ गए। तो 0.8 सेंटीमीटर ऊपर, और इस लाइन से 0.9 सेंटीमीटर इधर। अब देखो कितना नीचे है, ये नीचे वाला कर्व इस पॉइंट से कितना ऊपर होगा, ये 0.5। देखो अब इसमें दो चार कर्व हैं,
एक ही अंदर वाला, एक ही आईलेसेस वालों के लिए, और एक ही नीचे वाला, तीन कर्व है। तो मैंने सबसे अंदर वाला लिया जिसे आयरिस टच कर रही है, ये वाला, ठीक है। तो तुम्हें भी उस हिसाब से लेना है मेजरमेंट, कंफ्यूज मत हो जाना बाद में कि मैंने किस चीज के लिए थे। मैं इसे ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पे आया मेरा कर्व। देखो पूरा सीधा कर्व नहीं करना, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट सा है, फिर नीचे आया। मैं थोड़ा और जूम कर ले रहा हूँ, नीचे वाले में देखो तो ये एकदम नीचे आया, क्योंकि क्या है, आईज अपन स्ट्रेट होती तो ऐसे होती हैं, इसका चेहरा थोड़ा टिल्टेड है तो अपनी आईज भी थोड़ी ऐसे होंगी, तो अपनी आईज यहाँ पे, यहाँ फ्लैट नहीं रहेगी, यहाँ एकदम नीचे की तरफ आएगी और फिर यहाँ से कर्व करते हुए ये ऊपर की तरफ आएंगी। देख सकते हो कि आई थोड़ी सी टिल्टेड है अपनी, तो वैसे ही रखना। इस अब आई लैशेस के लिए नीचे से इसकी एक हल्की सी, बहुत पतली पतली इसकी कवरिंग करेंगे अपन, ठीक है। ऊपर ऊपर भी इसकी एक कवरिंग जाएगी जो आईब्राउज को टच करेगी, फिर एक नीचे हल्का सा, ये देख सकते हो ये वाला कर्व, जो आंखों के थोड़ा सॉलन पार्ट होता है ना, वो हल्का सा ये शेड करते करते बनाओ। ये हर चीज ड्रॉ नहीं करने की जगह थोड़ा शेड करके बनाओ। ये आई लैशेज यहां से ऐसे जाएंगी पीछे। आयरिस देखो, गलती क्या करते हैं अपन, एक सर्कल बनाने बैठ जाते। नहीं, ये सब फ्लैट है, यहाँ से ऊपर की तरफ कर्व, ये सब फ्लैट यहाँ पे और यहाँ पे कर्व, ओके। और अंदर प्यूपिल बना दो, तो इस तरीके से अपनी लेफ्ट आई बन जाती है, ओके। तो इतना बनाओ, तो राइट आई से पहले राइट आईब्रो देखो, ये वाला कर्व जो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कर्व इस पॉइंट पे 5.6, 5.6 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। इससे कितना नीचे है, ये 0.6, 0.6 सेंटीमीटर नीचे है, और इससे 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे कर्व होते होते आया है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये हिस्सा देखो आप, मैंने वही बोला था, जैसे आई लैशेस आईब्राउज मैंने से स्ट्रोक्स की जगह बनाई है, स्ट्रोक्स के साथ ऐसे हल्के हल्के, सेम वैसे वैसे ही बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, कितना ऊपर है, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये कितना ऊपर है, ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन अब 1 सेंटीमीटर दोनों एक जैसी है, इसका ये नहीं कि लेवल में रहेगा, हल्का सा ऊपर आके नीचे आएगा, और फिर ये यहाँ से जा रहा है ऐसे इधर में ले गए एंड में। तुम्हें कैसे करना है, तुम ऐसे देखो ले तो जाओगे इसी डायरेक्शन में, तो ऐसे हल्के हल्के ऐसे स्ट्रोक्स करते करते ले जाओ, और बस ये एंड में मिला दिए, ये पीछे ले जा रहे हो इस तरीके से, हल्के हल्के स्ट्रोक्स करते करते ले जाओ और बस ये मिला दिए, ठीक है। क्योंकि देश में अपन के दो तरीके हैं, एक अंदर में देखो डार्क है, बाहर लाइट है, तो बाहर लाइट है तो ऑब्वियसली अपन को आउटलाइन दिख जाएंगी, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इस तरीके के बना देते हैं स्ट्रोक्स। फिर आई पे आते हैं, तो आई की अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी जो टिप है थोड़ी ज्यादा लंबी सी दिख रही है, ओके। तो टिप के मेजरमेंट्स ढूंढते हैं कहाँ पे है, नीचे वाली लाइन से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट, तो 1 सेंटीमीटर राइट और 1.2 सेंटीमीटर ऊपर, ये रहा, ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो आईब्रोज देखो, आईब्रो थोड़े और ऊपर होंगे, मैंने थोड़े नीचे बना दिए, 0.4 सेंटीमीटर, हाँ देखो 0.1 सेंटीमीटर से डिफरेंस आ जाता है, मैंने 0.1 सेंटीमीटर नीचे बनाए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ ऑड लग रहा है, ठीक है। अब ये इसी लाइन पे एंड हो रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट कितना है इसका, 1.6 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट आ गया, ये कर्व है यहाँ से यहाँ तक का एक। अब सेम चीज मैं देखूँ कि नीचे कितना है सर से, तो ये है 0.8 सेंटीमीटर नीचे। तो अब मेरे पास मेजरमेंट्स हैं, चारों पॉइंट हैं, तो अब मैं शेप बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो वी शेप है ऐसी लंबी सी जो ये बनाई, ठीक है, बहुत लंबी नहीं बना देना, 0.3 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं है ये। फिर अब यहाँ कर्व आएगा,
ठीक है, इस पॉइंट को क्रॉस करा, हल्का सा इस लाइन के ऊपर गया मेरे। देखो तुम लोग के मेजरमेंट अलग हो सकते हैं, हो सकता है तुम लोग के एकदम बॉक्स के बीच में आ रहा हो, तो तुम्हें ये देखना है कि ये वाला जो सरफेस अपर लाइन से कितना नीचे है, ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला ये लोअर लाइन से कितना ऊपर है। ओके, मान लो तुम्हारे यहाँ लाइन यहाँ पे है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा इस लाइन से ये कितना नीचे है, तो वहां पे मार्किंग लगाओ ऐसे। फिर ये वाला कर्व आता है, तो ये इधर इस लाइन को टच किया, इस पॉइंट को क्रॉस किया अपना, और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने बताया था अपन थोड़ा फेस टिल्टेड है, तो लाइन आई स्ट्रेट की जगह आईज ऐसे रहती हैं, तो तुम देख सकते हो अगर इसको ज्वाइन करो और इस पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक डायगनल बनता है। तो अपना ये बना, अब तुम्हें एक पतली सी आउटलाइन देनी है किस चीज की, लोअर आई लैशेस के लिए, तो वह यहाँ आ जाता है। फिर जो ऊपर की तरफ कर्व है थोड़ा यहाँ पे फ्लैट है, और यहाँ बस ये जो आगे की तरफ ऐसे थोड़ा फैला हुआ है वो अपन ब्लेंडिंग स्टम्प से देंगे, तो तुम्हें बस हल्का सा ड्रॉ करने की जरूरत है। नीचे नीचे भी आई लैशेस, आईज के नीचे जो थोड़ा स्वॉलन पार्ट रहता है वो हल्का हल्का शेड किया अपन ने। अब आयरिस देखो, कोई आयरिस लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनाते, जैसे मेरे में देखो इस लाइन के राइट में आ रही है, तो मैंने यहाँ बनाई ऐसे और ये यहाँ गई। अब ऐसा नहीं करना कि ये छोटी ये बड़ी, नियरली सेम साइज है ये, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी नहीं करते अपन किसी के चेहरे पे, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी आईज हो जाती हैं। टिप ध्यान से बनाना, ओके, थोड़ा आगे की तरफ ऐसे, ओके, तो ये अपनी राइट आई भी बन जाती है।